बेटा मतलब टेंशन मत कह रही हूँ, पापा को पता चला ना, कह रही हूँ पापा को पता चला ना तो मुझे टप्पू सेना का हिस्सा ही नहीं रहना। क्यों, क्या हुआ? अरे पैसे में जिनसे पैसे लेने को हमें ठीक से जवाब ही नहीं दे रहे हैं। इसे कहते हैं पर भला तो वो बुरा। मैं भी आऊँ, मैं लाने वाला था तुझे। मम्मी ने बोला पापा मैं सिखा ले क्योंकि बहुत कम से अभी का भला किया धोने पड़ी और अब हम खुद ही टेंशन में आ रहे हैं। सामने वाले और लाल जी लाइफ वालों के दिल के लिए दो दो तीन तीन बार फोन आ गए। मुझे भी पापा बार बार बोल रहे थे कि उन्हें पैसों के लिए कोई फोन नहीं आना चाहिए और अभी उन्हें कोई भी फोन आ गया तो हेलो 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 का एक मेरे सेक्रेटरी आप बार आपको कारण भेड़े आपको ये बता दूं।
इस सोसाइटी फंड में से आप तीनों को एक रुपया भी नहीं मिलने वाला। अरे नहीं नहीं भेड़े भाई, प्लीज मत, मुझे जल्दी, ये तो मैंने काम लिया था, अब अगर पैसे ही नहीं मिलेंगे तो भेड़े भाई मैं तो फंस जाऊंगा। अरे ऐसे थोड़ी होता है, मेहनत का ईमानदारी का पैसा है, ऐसे नहीं चलेगा भेड़े भाई, आज तो पैसे देना ही पड़ेंगे भाई, पैसे लेकर ही जाएंगे हम यहाँ से, पैसे चाहिए अभी के अभी। हाँ हाँ अभी के अभी। ठीक है भाई साहब, इन्होंने आपसे जो आप पैसे करके इनसे बात कर रहे हैं, और मैंने आपको वचन दिया था कि अगर टप्पू से पैसे नहीं मिले तो आप मेरे पास आओ पैसे मांगने के लिए, नहीं ना? आपको टप्पू पैसे देने वाला था ना, अगर वो पैसे नहीं दे रहा है तो उसके पिताजी जेठाल से बात करो, उससे पैसे मांगो, मेरे से नहीं। जो कहने ना उसे जाके कहो कि जेठा से मुझे भी बहुत कुछ कहना है, आप बेटे ने भी करना, मुझे हमेशा टेंशन दी है, पर माधवी तुमने भी बोला था ना कि आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, टप्पू तेरा है ना वो जिम्मेदारी ले लेगी, अरे 3 दिन जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई है, आप और बेटे के बीच में मेरा सैंडविच बन गया, आज तो फैसला होकर रहेगा। बगल तुम्हें 100% बरोबर आते, पर थोड़ा शांति से बात कीजिएगा, आगे भी शांति नहीं क्रांति होगी, तंग आ गया और चिट्ठा और टप्पू से, आज मौका मिला है गोरखपुर 9 पे लेके आता हूँ, देखना तुम, नहीं तो सुबह का सप्ताह सचोने के नौबत आ जाएगी, पर मुझे कोई शौक नहीं जेल जाने का, तो हाँ तुम बीच में मत बोलना, तुम नीचे आना ही नहीं, हाँ पैसे चाहिए ना आपको, हाँ हाँ चला मा कल्याण आता, कल्याण कसलो बदला, पूरे पूरा बदला लेने वाले हैं यार, आप एक काम कर सकते हैं, अभी के लिए भेड़े भाई सोसाइटी फंड में से इन्हें पेमेंट कर दे, और फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा करके हमारे मेंटेनेंस में ऐड करके वही अमाउंट हम पे कर देंगे। बराबर, आओ सोसाइटी फंड से पैसे दे दीजिए और बात खत्म कीजिए ना। हाँ इवन आई थिंक सोसाइटी फंड से पैसे दे देना चाहिए, आज तो वही पैसों से बढ़कर सोसाइटी का भाईचारा और सोसाइटी की शांति है, सोचते हैं सुनो। नहीं बाबा भिड़े, तू ऐसे सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ा नहीं सकता, इसके लिए मीटिंग बुलानी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा मैं कभी भी मेंटेनेंस बढ़ा दिया मोपटलाल, ना ही मेंटेनेंस बढ़ेगी।
नहीं तो फिर कोई अपराध तो हुआ ही नहीं ना। अरे नहीं नहीं वो तो हमने माफी मांग के खुद को बचा लिया, वरना सूरी जी का तो पूरा प्लान था हमें मारने का। मुझे ये बताओ आप लोगों ने इनकी मेहनत के पैसे दिए? तो ये वो कुछ नहीं आया ना, मुझे बताओ पैसे दिए कि नहीं? नहीं। हाँ तो चलो बैठो गाड़ी में और चलो पुलिस थाने। For more updates, subscribe to our channel, hit the show link and enjoy watching our video. Aage ka kya hai iska? Hey, nice me. Kya hai iska aage ka? Search karna padega aapko. Kya yaar tujhe? ये बात आपको सुना आपको तो नहीं।
बंद करो भाई, सबसे पहले जो पैसा आया है वो इन तीनों के अकाउंट में ट्रांसफर करो भाई, जिसकी वजह से सारा ये बवाल हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपके तीनों के बिल में आपके बैंक डिटेल्स तो है ना? हाँ तो मैं घर जाते ही आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा ऑनलाइन। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, अभी तो हमें पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, अगर ये लोग फरियाद वापस लेते हैं तो तुम लोगों को फरियाद वापस लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे तो पैसे मिल रहे हैं ना तुम्हें। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम लोग अपनी फरियाद वापस लेते हैं। थैंक यू। सॉरी हाँ, आपको हमारी वजह से परेशानी हुई। सॉरी की जरूरत नहीं है, दरअसल गलती हम ही लोगों की थी, हमें थोड़ा धीरज रखना चाहिए था। क्या करें, अभी तीन चार महीने से काम धंधा बिल्कुल ठप, पूरी इनकम बंद हो गई थी और खर्चे तो वही थे, इससे थोड़ा टेंशन में आ गया। आजकल टेंशन बहुत है, हमें डर था कि पैसे मिलेंगे या नहीं, और ऊपर से सोसाइटी वालों की मजबूरी भी हम समझ नहीं पाए। पैसों की जिम्मेदारी सबको सेना की थी और हम सोसाइटी वालों से पैसे लेने आ गए। बातचीत बहस में बदल गई और बहस लड़ाई में बदल गई और हम गुस्से में पुलिस स्टेशन चले। सभी को सॉरी, आप सबको दिल से सॉरी। हाँ नहीं नहीं बेटा, देखो अभी जो कुछ भी हुआ ना वो तुम लोग भी भूल जाओ, है खुश रहो। चलो अच्छा हुआ मामला सेटल हो गया। गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज कुर्ता पजामा नहीं पैंट और शर्ट कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ जरा दुकान जा रहा हूँ। बहुत टाइम के बाद दुकान जा रहे हो ना? अरे बहुत बहुत टाइम के बाद दुकान जाऊंगा। तेरा अच्छा है, कोरोना काल में तेरी दुकान कभी बंद ही नहीं हुई। नहीं अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जीरा भाई जरा संभल के जाना, सावधानी से जाना। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलता हूँ। ओके दिया, रुमाल ले लिया, मोबाइल है और क्या बाकी है? और हाँ दुकान की चाबी, अगर तो फोन करके बोल देता हूँ दुकान की चाबी लेकर फटाफट दुकान पहुंच जा। अभी तो छो रहा होगा, कोरोना काल में ना सबको रात को देर से सोने की और सुबह देर से आदत लगा दी है। अभी अपनी दुकान खोलने की परवानगी कहाँ मिली? बिना परवानगी के दुकान खोलेगा, कानून तोड़ेगा। दुकान के दर्शन करने जा रहा हूँ।
माना कि मैं दुकान खोलने के लिए अधेरा हूँ, लेकिन इतना अधेरा भी नहीं हूँ कि कानून तोड़ के दुकान खोलूं। मैं दुकान तभी खोलूंगा जब भी सरकार से दुकान खोलने की परवानगी मिलेगी। तो पक्का बाहर से ही दुकान के दर्शन करेगा ना? हाँ बापू जी। मैं फिर पता चला कि वहां जाके तुझे अंदर से भी दुकान के दर्शन करने का मन हो गया। अभी यहाँ तक आ ही गया हूँ तो 10 मिनट दुकान में बैठ लेता हूँ, फिर निकल जाऊंगा। तो सच कहूँ तो बापू जी इच्छा तो वही करने की है। तो लेकिन लेकिन बापू जी मैं दुकान खोल पाऊंगा कि नहीं वो तो वहीं जाके पता चलेगा ना बापू जी, क्योंकि हमारी दुकान वो कंपार्टमेंट जोन में है। पापा कंटेनमेंट जोन? हाँ वही बेटा वही। तो क्या वहां जाऊंगा पुलिस लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो परवानगी देंगे तो मैं दुकान खोल के 10 मिनट दुकान में बैठ के आ जाऊंगा, अगर परवानगी नहीं देंगे तो बाहर से ही ऐसा दर्शन करके आ जाऊंगा। सैनिटाइजर बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं फटाफट जाके फटाफट आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, जय थैंक यू बाबूजी, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। चलो बहुत संभल के चलना। हाँ बेटा। अरे अंकल, हाँ बाबू भाई मजे में? अरे अंकल ओके। अरे रुक ना, बोलिए कहाँ जा रहे हैं? डिलीवरी के लिए। किधर? क्या बात है बाबू भाई, ये जो फुर्सत में? अरे भाई कोरोना काल में फुर्सत ही फुर्सत है।
पैसे का आधा खाना सितंबर अच्छा बंद कर दो टीवी
वो पांच हम चार हैं, तू हट गया और ले लिया तो क्या करूं।
भाई खुद के लिए आता जीता ही नहीं, तेरा दोस्त आज जीता ही नहीं है। एक बार तू जीता, एक बार मैं जीता। अरे तू भी एक ले लिया।